आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में MIM के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम हत्याकांड में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, वहीं लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। शहर के अंबेडकर चौक पर अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की तस्वीर को रखकर वहां पर श्रद्धांजलि सभा की गई और उनके तस्वीर पर लोगों ने माल्यार्पण भी किया। श्रद्धांजलि सभा सह कैंडल मार्च में लोगों ने एक स्वर में कहा कि गोपालगंज पुलिस हत्याकांड में शामिल नामजद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, इस मामले की त्वरित जांच कर हत्याकांड के अभियुक्तों के खिलाफ एस्पीडी ट्रायल चलाएं। बता दें कि बीते 12 फरवरी को नगर थाना के तुरकहा में MIM नेता अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मामले में मृतक के बेटा व सामाजिक कार्यकर्ता अनस सलाम ने चौराव पंचायत के मुखिया परवेज आलम उर्फ छोटे मुखिया सहित कुल 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जबकि कई अज्ञात लोगों की भी इस हत्याकांड में शामिल होने को लेकर FIR दर्ज कराई गई थी। मृतक के बेटे ने इस हत्याकांड को पॉलिटिकल मर्डर बताया है, जिसमें उसने राजद के प्रदेश स्तर से बड़े नेताओं की भी भूमिका की जांच करने की SP से गुहार लगाई थी। हालांकि इस हत्याकांड में गोपालगंज पुलिस ने 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन बड़े और रसूखदार वाले जो नामजद अभियुक्त हैं, वे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर कैंडल मार्च सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में स्वतः हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। अब्दुल सलाम के बेटे अनस सलाम ने कहा कि गोपालगंज जिला प्रशासन नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, एस्पीडी ट्रायल कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए। अनस सलाम ने कहा कि इस हत्याकांड में कुछ बड़े रसूखदार और भू माफिया भी शामिल हैं, पुलिस उनकी भूमिका की जांच करे और गिरफ्तार नहीं होने पर उनके घरों की कुर्की की जब्ती भी शुरू कर दे, ताकि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाया जा सके। मृतक के बेटे ने दोषी को फांसी या आजीवन कारावास की सजा की मांग की है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी में स्थित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। चुनाव को लेकर लगातार बड़े बड़े कंटेनर में पकड़े जा रहे शराब तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने वहां तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, ताकि बॉर्डर एरिया से किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां न हो सके। वहीं वाहनों की जाँच किस तरह से पुलिस के द्वारा की जा रही है और उत्पाद विभाग की गाड़ियों की जांच किस तरह से कर रहे हैं, स्कैनर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब के नशे में आने वाले लोगों को भी किस तरह से पकड़ा जा रहा है, तथा वाहनों में ओवरलोडिंग या परमिट इत्यादि को लेकर भी एक एक बिंदु पर उन्होंने समीक्षा की और वहां तैनात पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलता हेतु व्यवहार न्यायालय के नई भवन स्थित सभागार में जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ बैठक आहूत की गई। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के न्यायालयों द्वारा चिन्हित वादों के संबंध में एक एक कर जानकारी ली गई एवं पुनः उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को अपने अपने न्यायालयों द्वारा अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करके एवं न्यायालयों में प्रतिनियुक्ति PLB के द्वारा चिन्हित वादों में अविलंब नोटिस तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज को भेजने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को अपने अपने न्यायालयों के चिन्हित वादों में प्री सीटिंग कर अधिकाधिक वादों को निष्पादन योग्य तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में प्रधान न्यायाधीश ब्रजेश कुमार, ADG प्रथम सर्वेश पांडे, ADG 12 आशुतोष कुमार, ADG सष्टम संजीव कुमार पांडे, CJM मानवेंद्र मिश्रा, ACJM 6 अजय कुमार, अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारीगण मौजूद रहे। उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण द्वारा अधिकाधिक वादों को चिन्हित करने तथा अधिकाधिक निष्पादन हेतु अध्यक्ष को आश्वस्त किया गया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी की एक कार को पकड़ा था, जिसकी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि ये कार दिल्ली के एक व्यक्ति की है
और वहां से चोरी कर आरोपी से बिहार में ला रहे थे। तभी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने इस गाड़ी को पकड़ लिया। इसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, परंतु वाहन के नंबर से पुलिस ने जब अनुसंधान शुरू किया तो वाहन स्वामी की जानकारी पुलिस के पास पहुंची और इसकी सूचना वाहन स्वामी को दी गई। उनके द्वारा भी चोरी का रिपोर्ट अपने स्थानीय थाने में लिखवाया गया। इस आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कोर्ट के निर्देश पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने वाहन स्वामी को बुलाकर उनकी कार उन्हें वापस कर दी। जिनको ये कार दी गई है वो मालिक नवाब दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के निवासी हैं। अपनी खोई हुई कार मिलने के बाद उन्होंने कुचायकोट पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि उनको उम्मीद नहीं लग रहा था कि उनकी गाड़ी अब उन्हें वापस मिलेगी, परंतु पुलिस ने आज उनकी कार उन्हें वापस दिलवा दी। इसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को भी धन्यवाद दिया। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुडहोल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। बरौली पुलिस ने भी एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी और गाड़ी के संदर्भ में पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो पुलिस को वाहन स्वामी की जानकारी मिली और उसके बाद न्यायालय के निर्देश पर यह मोटरसाइकिल उसके वाहन स्वामी को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि वाहन स्वामी अजबू निशा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अंतर्गत तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाली हैं और उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी और वो गाड़ी बरौली पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद ये मोटरसाइकिल उन्हें कोर्ट के निर्देश पर सौंपा जा रहा है। वहीं इस गाड़ी के साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए कोर्ट में केस की पैरवी कर रही है। पूर्वोत्तर रेलवे की थावे जंक्शन पहुंचकर RPF के सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा मुकेश कुमार पमार गुरुवार की देर शाम RPF पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम अमृत बल गीत गाकर सैनिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सुरक्षा सम्मेलन में सभी बल सदस्यों से सामूहिक व व्यक्तिगत ग्रीवांस व ड्यूटी में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं HRMS, रेल संपत्ति सुरक्षा, यात्री व यात्री सामानों की सुरक्षा तथा ट्रेन एस्कॉर्टिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उसके बाद राष्ट्रगान गाकर सुरक्षा सम्मेलन का समापन किया गया। उन्होंने पोस्ट निरीक्षण के क्रम में पोस्ट पर उपस्थित अभिलेखों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजी का संधारण कर कई दिशा निर्देश दिए। उसके बाद पोस्ट पर उपस्थित सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित जवानों से उनकी हैंडलिंग कराई और कोत में रखे हथियारों का निरीक्षण किया गया। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल बैरक में जाकर बैरक में उपस्थित T&P सामानों का निरीक्षण करते हुए बैरक का निरीक्षण किया। मौके पर RPF निरीक्षक देवेंद्र प्रताप, रूपेश शुक्ला, उमाकांत मिश्र, श्याम प्रकाश पाठक व शिव प्रसाद आदि जवान मौजूद थे।
माधगर प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख पर 15वीं वित्त आयोग योजना से 30 लाख रुपए बंदरबांट करने का आरोप लगाकर माझा प्रखंड पंचायत समिति सदस्य रणजीत कुमार ने जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त तथा ग्रामीण विकास कार्य पटना को लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की मांग किया है। दिए गए आवेदन में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। वाद संख्या 1430/2024 में उच्च न्यायालय के द्वारा 25 जनवरी 2024 को निर्देश दिया गया कि प्रखंड प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की बात की जाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा 15वीं वित्त आयोग योजना से 30 लाख रुपए का बंदरबांट प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख के द्वारा की गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।